अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो पहले आप लोग टाइम देखो, 10:54 और मैं अभी दादर रेलवे स्टेशन, ठीक है, मतलब 11 जो है ना वो बजने वाले हैं 5 मिनट के बाद, और मैं दादर रेलवे स्टेशन पे मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया है। खारघर विलेज शिल्प 36 सेक्टर, वहाँ से पिकअप किया था और डायरेक्ट लेके आया यहाँ पे। आज एक्चुअली कैसा है मालूम है, मुझे टाइम नहीं मिला और मैं लगभग 9:30 बजे घर से निकला था, और जैसे ही खारघर में आया तुरंत मुझे बुकिंग आई। उबर गो तो मैंने बंद किया हुआ है, अभी भी बंद है और जब भी बंद था, तो मुझे तुरंत बुकिंग आई खारघर सेक्टर 36 है, दादर रेलवे स्टेशन। तो मैंने कस्टमर को यहाँ पे ड्रॉप किया है। उबर प्रीमियर में 38 किलोमीटर का 655 ₹655 दिखाया था, वो मुझे ₹624 कट करके, GST कट करके मिला है ₹624। तो 11 बज गए और 11 बज गए, ₹624 का अपना अर्निंग हो गया सैटरडे के दिन। एक्चुअली कैसा है, लेट निकलने में फ़ायदा है क्योंकि वहाँ पे मॉर्निंग में बुकिंग खारघर में रहती नहीं है, इसके लिए मैं लेट निकला हूँ और फटाक से बुकिंग लगी। अभी यहाँ पे देख रहा हूँ कोई बुकिंग तो आई नहीं है, जाता हूँ दादर की तरफ, दादर TT की तरफ जाता हूँ, वहाँ से देखता हूँ कोई बुकिंग अपने को अच्छी सी आती है नहीं। CNG तो मैंने भराया नहीं था क्योंकि कल का आधा भरा हुआ था, पेट्रोल काफ़ी है गाड़ी में और CNG भी काफ़ी है, तो इसके लिए मैंने CNG आज जो है ना मॉर्निंग में नहीं भराया। अभी और एक दो बुकिंग मारने के बाद जो है ना CNG भराऊंगा, फिर उसके बाद जो भराएंगे तो रात तक घर पहुंचने तक अपने को चलेगी, इसके लिए मैंने भराया नहीं था, नहीं तो भराते था तो फिर डबल भी भरानी पड़ जाती है, कभी कभी भरवानी पड़ जाती है, तो इसके लिए मैंने नहीं भराया। तो देखिए ये दादर रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये ब्रिज के ऊपर जो है ना, और ये यहाँ पर मैंने ड्रॉप किया है पीछे। तो अभी आज दिन भर में कितना काम करेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को पूरी देखो, स्किप मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट जो है। सो गाइज, अपनी है ना एक बुकिंग हो गई और एक कंप्लीट, और मैं ना अभी पता है कहाँ पे हूँ, मैं गोरेगांव, ये देखो गोरेगांव ओबरॉय है ना, गोरेगांव ओबरॉय, यहाँ पे मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया है अभी, और मैं ये बुकिंग लेके आया हूँ दादर से, दादर TT से ये मुझे बुकिंग लगी थी, नहीं लग रही थी, 1 घंटा लगभग मेरे को बैठे बैठे हो गया था। देखो टाइम 12:30 जो है ना बज चुका है, 1 घंटा लगभग मेरे को बैठे बैठे हो गया था, तो फाइनली फिर मैंने उबर गो ऑन किया तो उबर गो में मुझे बुकिंग लगी है, और अभी देखो ये मैंने ड्रॉप किया। काम जो है ना ₹860 का टोटल हुआ है, इसमें मेरे को 20 किलोमीटर का 240 कितना दिया है, 236, 20 किलोमीटर का 236 कितना कम दिया है उबर गो में। फिर से मैंने उबर गो कर दिया है बंद, अभी सिर्फ मेरा ये देखो उबर गो बंद है, प्राइम चालू है और सर्च लगा हुआ है, देखो बिजी एरिया दिखा रहा है, लेकिन अभी कोई बुकिंग जो है ना वो नहीं आई है क्योंकि उबर गो ऑन था ना, इसके लिए बुकिंग नहीं दे रहा है। मैंने प्राइम चालू करके रखा हुआ है, यहाँ से जो है ना सिर्फ प्राइम में ही बुकिंग लेके जानी है, उबर गो में नहीं लेकर जानी है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी गाड़ी जो है ना जस्ट डायल पे बुकिंग के लिए मैंने ये ऐड कराया था, ठीक है, एज अ टूर्स एंड ट्रेवल्स का, तो वहाँ पर इन लोगों ने मुझे 1700 कुछ रुपये का पर मंथ का पैकेज दिया हुआ था, और 140 लीड का इन लोगों ने मुझे बोला था कि 140 लीड आपको पर मंथ देंगे, लेकिन इतना झूठा और फ्रेब जो है ना ये लोग ऑनलाइन बैठ के करते हैं जस्ट डायल पे भी, कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। 140 क्या, 3 महीना चला मेरा, वो 3 महीने में एक भी बुकिंग कंप्लीट नहीं कर पाया मैं इस पे जो है ना, मतलब ऐसा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, लेने जैसा है ही नहीं। अगर कोई बाइक प्लान कर रहा होगा तो प्लीज़ लेना ही मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकार, मुझे तो खास करके नहीं समझ में आया, और इतनी कंपटीशन और इतना ज़्यादा ये है ना इस पे कि आप जैसे लीड आती है ना आप फ़ोन लगाएंगे तो लगेगा ही नहीं, बिजी बताते जाएगा, या तो कस्टमर उठाएगा नहीं कॉल आपकी, या आपकी बात नहीं हो पाएगी, ऐसे करके कुछ भी डिसमिस जो है ना वो हो जाता है। तो और लीड्स 2 दिन में 3 दिन में एक आ रही है, और 140 एक महीने में कैसे आएगी 1700 रुपये में, ऐसा गंदा सिस्टम है। फिर फाइनली मैंने बंद कराने लगा तो बोलते कि बंद नहीं होगा, 1 साल के बाद बंद होएगा। तो बाद में मेरे को इन लोगों का ध्यान में आया कि इसने बताया था कि आप अपनी एप्लीकेशन से जो है ना बैंक की एप्लीकेशन से बंद कर सकते हो, तो मैंने वहाँ से बैंक की एप्लीकेशन से बंद कर दिया, तो मेरी EMI कटनी हो गई बंद। तो कोई भाई अगर ये प्लान कर रहा होगा कि मैं जस्ट डायल पे कॉल करके ऑनलाइन अपनी कैब अटैच कराऊँ, वहाँ से कोई सर्च करेगा नियर बाई कैब बुकिंग वाला सिस्टम, तो प्लीज़ मत लेना, बहुत ही गंदा सिस्टम है भाई, मेरा तो एकदम बैड एक्सपीरियंस है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा है, बाकी मर्जी आप लोगों की है। और झूठ बहुत ज़्यादा है और आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, मतलब आप पैकेज बढ़ा लो सर, पैकेज बढ़ाएंगे तो आपका ये होएगा,
ज़्यादा लीड आएंगी, ये ऐसी ऐसी बातें आपके साथ होती है, तो इसके लिए इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर कोई भाई प्लान कर रहा है कुछ भी, तो वो इनकी लुपड़ी छुपड़ी बातों में आने का नहीं, ये सब चूतिया बनाने का धंधा मुझे तो लगता है मेरे हिसाब से। एक भी एकदम बिल्कुल चीप में गाड़ी चाहिए रहती है लोगों को, और ये सब, और बस आपकी बात भी नहीं हो पाएगी, ये सिस्टम समझ के चलो आप, और आपको बातें बताएंगे जस्ट डायल वाले बात में। पहले तो आपको सर ये सर वो सर ये सर वो, आपको ऐसा मिलेगा, इतना बिजनेस मिलेगा, उतना बिजनेस मिलेगा, और फिर बाद में जो है ना ये लोग घूम जाते हैं, और बंद भी नहीं करके दे रहे थे मेरे को। मैंने खुद से फिर मैंने ईएमआई वाला बंद किया, मतलब मेरा 1700 रुपये जो कटता था ना, वो मैंने बैंक के एप्लीकेशन से बंद किया, तब जाके बंद हुआ, नहीं तो बंद भी नहीं कर रहे थे। ठीक है गाइस, अभी और कुछ रहेगा तो मैं बताता हूँ, यहाँ से कहाँ की बुकिंग लगेगी गोरेगांव से, मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। और हेलो भाई, 5:15, ठीक है, 5:15 जो है ना, 5:15 हो चुकी है, और मैं अभी इस वक्त बोरीवली वेस्ट थाने गया था, थाने से बोरीवली रेलवे स्टेशन ड्रॉप किया है मैंने, और वहाँ से आ गया हूँ वेस्ट में। बट अभी तक कोई बुकिंग नहीं आई, मतलब एक आई थी मुझे एक बुकिंग टर्मिनल 1, मैंने टच भी किया, अनदर ड्राइवर लिख के तुरंत उस पर आ गया। अब कोई बात नहीं, नहीं रिसीव हुई तो कोई बात नहीं, जब से मैं ये देखो ऑनलाइन होकर बैठा हूँ तो बुकिंग जो है ना अभी अता पता नहीं है। सर्च भी लगा हुआ था यहाँ पे ज़बरदस्त, बट बुकिंग नहीं आई। अभी देखो इसमें दे रहा है, अभी इसमें दिया है मेरे को इन ड्राइवर में, किधर की दिया है शायद, देखो पनवेल कलम बोली पनवेल की दिया है। अगर कस्टमर उठा लेता है तो ठीक है, एक कोपर खेरने में स्टॉप है और दूसरा स्टॉप रोड वाली कलम बोली। अभी ये रिसीव होती है क्या नहीं, ऑफ़र तो मैंने मारा है 756 में ऑफ़र मारा है, ठीक है, रिसीव होती है पता नहीं, जो भी होता है बताता हूँ आपको। और बोरीवली वेस्ट, ठीक है, और अर्निंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई है अभी तक, 1700 रुपये की अर्निंग हुई है। आज काफ़ी रुकाया, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा दोनों तीनों बुकिंग के बीच में मुझे रुकाया है, इसकी वजह से ज़्यादा अर्निंग अभी तक नहीं हो पाई है। चलिए बुकिंग जो है ना ये रिसीव नहीं हुई, डिक्लाइन हो गई है, और देखते हैं कहाँ की बुकिंग आती है, बताता हूँ आपको इसी वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ये देखो बोरीवली वेस्ट। सो गाइस, मैं पहुँच गया था घर पे, और घर पे पहुँचा हूँ मैं आज, मतलब लगभग 8:30 के बाद ही पहुँचा हूँ। और आज जो है ना हमारी मस्जिद में तरावी ख़त्म थी, तो तरावी पूरी हो गई है और मैं मस्जिद जाके आया था। इसके लिए है ना अभी आप लोगों को थोड़ा लेट अपडेट दे रहा हूँ, क्योंकि सोने का टाइम जो है ना वो हो चुका है हमारा, 10:30 बज चुके हैं। कल सुबह फिर से तरावीब में उठना है, और कल तो संडे है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ बेटा, कल जो है ना, कल संडे के दिन इतना ज़्यादा ये टेंशन नहीं रहता सुबह मॉर्निंग में निकलने का, इसके लिए कल सुबह में सहरी में उठना है और फिर वापस से सो जाना है डेली की तरह, तो इतना टेंशन कल का नहीं है। और आज जो अपनी अर्निंग हुई ना वो, मतलब एक बोलते हैं ना सैटरडे के दिन इतना गंदा काम होता था, आपको हमेशा मैंने वीडियो में बताया कि सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा, मतलब सैटरडे तो एटलीस्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब जाता था, 1500-1700 रुपये भी मुश्किल से होता था। लेकिन इस हफ्ते, इस आज सैटरडे बहुत ज़्यादा सर्च लगा हुआ था, लेकिन बुकिंग आ नहीं रही थी, खाली सर्च दिखा रहा था, तो गोरेगांव में बोरीवली में सब जगह पूरे वेस्टर्न पे सर्च लगा हुआ था, बट प्राइम में बुकिंग जो है ना वो बहुत कम आ रही थी। फिर भी मैं घर पर लौटते वक्त 2400 कुछ रुपए का काम जो है ना मैंने वो 2400 कुछ रुपए का काम जो है ना वो करके गया हूँ। और एक चीज़ और, ऐसा लग रहा था गाड़ी जैसे अपनी गाड़ी एवरेज कम दे रही है, लेकिन गाड़ी एवरेज कम नहीं दे रही है, मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रहा हूँ। अगर CNG का बाटला पूरा खाली हो जाता है तो सिर्फ 9 किलो CNG जाती है, जबकि अपनी गाड़ी में 10 किलो CNG जाती है पूरी, कितनी 10 किलो 10 किलो CNG जाती है, बट अपनी गाड़ी में 9 किलो जा रही है। इसका मतलब ये गाड़ी CNG का प्रेशर जो है ना वो ठीक नहीं है, इससे पता चलता है कि अपने CNG का प्रेशर ठीक नहीं है, इसकी वजह से 100-150 रुपये की CNG जो है ना अपनी वो डेली एक्स्ट्रा लग रही है। एक बाटला पूरा चला गया लगभग 650-700 रुपये का, और अर्निंग हुई है 2400 कुछ रुपये की। ठीक है गाइज, आज का शेड्यूल, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, आप लोग अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिल जाए।